Welcome to Full Stack Web Development course. My name is Meenakshi and I'm your trainer for this video session. आज के वीडियो सेशन में हम मार्कर की पोजीशनिंग के बारे में पढ़ेंगे. इसके लिए हम लिस्ट स्टाइल पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं. ये प्रॉपर्टी ये इंडिकेट करती है जो मार्कर इनसाइड होना चाहिए या आउटसाइड होना चाहिए बॉक्स के मेन पॉइंट से. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल HTML हेड के अंदर टाइटल हम लिस्ट ले लेते हैं. इसके अंदर स्टाइल एलिमेंट टाइप एट्रीब्यूट टेक्स्ट CSS क्लॉज. अब हम यहाँ पे स्टाइलिंग को डिफाइन करेंगे. UL विड्थ 150 पिक्सल. क्लोज करेंगे. UL हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूज करते हैं जो हम HTML के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं. लिस्ट मार्जिन डिफाइन करेंगे. हम यहाँ पे 10 पिक्सल मार्जिन दे देते हैं. UL यहाँ पे इसको पहले क्लोज करते हैं. ब्रैकेट फिर एक्स्ट्रा ब्रैकेट लिस्ट स्टाइल पोजिशन हम रखते हैं इसको आउटसाइड. क्लोज कर देंगे. अब यूएल डॉट सीजन्स ब्रैकेट लिस्ट स्टाइल पोजीशन हम यहाँ पे इनसाइड देते हैं. आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं इसको जो आपको स्टाइलिंग देनी है. अब हम बॉडी को डिफाइन करेंगे. बॉडी हमारी बॉडी के अंदर हम UL अनऑर्डर्ड लिस्ट क्लास को डिफाइन करेंगे. हमने यहाँ पे क्लास क्या लिया था इल्यूमिनेशन डबल को क्लोज कर देंगे. टैग नाउ लिस्ट हम यहाँ पे थ्योरम डिफॉल्ट पैराग्राफ का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल इस 16
नाउ डिफाइन करेंगे सेकेंड लिस्ट थ्योरम 6, थर्ड लिस्ट थ्योरम 18. सो यहाँ पे हमने फर्स्ट लिस्ट को डिफाइन कर दिया है, अब हम सेकेंड लिस्ट को डिफाइन करेंगे. यूएल यूएल में हमने सेकेंड क्लास दी थी डबल कोट सीजन. आप देख भी सकते हैं ये दिस इज सीजन. Seasons, double quote. Now list theorem 18. List theorem 19. इस तरह से हमने यहाँ पे लिस्ट को डिफाइन कर दिया है, उसकी स्टाइलिंग को डिफाइन कर दिया है. फर्स्ट के लिए हमने आउटसाइड रखा है, सेकंड के लिए इनसाइड रखा है, यूएल में विड्थ को भी डिफाइन कर दिया है, मार्जिन डिफाइन करा है. नाउ सेव करेंगे इस फाइल को. फाइल का नेम है C3B1. सो आप देख सकते हैं हमारी लिस्ट बनके रेडी हो चुकी है. ये देखिए यहाँ पे हमने इनसाइड रखा था और यहाँ पे आउटसाइड. फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, जहाँ पे हमने इसके मार्जिन को इनसाइड आउटसाइड रखा था और यहाँ पे इनसाइड. सीजन्स में इनसाइड है और उसमें आउटसाइड है. सो इस तरह से हम लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. अब हम लिस्ट शॉर्ट हैंड के बारे में पढ़ेंगे. CSS प्रॉपर्टी हमें अलाउ करती है शॉर्ट हैंड लिस्ट स्टाइल के लिए. इसके लिए हम लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज भी करते हैं. ये हमें अलाउ करता है मार्कर के स्टाइल, इमेज और पोजिशन प्रॉपर्टी को किसी भी ऑर्डर में डिफाइन करने के लिए. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसी में मॉडिफाई करते हैं. ऑलरेडी हमें एक एग्जाम्पल है हमारे पास यूएल लिस्ट स्टाइल. लिस्ट स्टाइल इनसाइड सर्कल सेव करेंगे. नाउ ओपन करके देखते हैं. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे चाहे हम किसी भी ऑर्डर में यूज करें और हमारे पास सबके सर्कल आ चुका है. इस तरह से हम लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं.